ये देखिए, आइए अब हम आपको मगरमच्छ दिखाते हैं। ओ और ये देखिए पानी के अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है। अब हम साहिल लिखने वाले हैं। साहिल साहिल ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए कैसे जमीन को डिग कर रहा है और इसके पीछे ये बहुत धारदार कटीला। ये देखिए वाइट हिरन, वाइट हिरन जो ग्रीन शेड के कारण ग्रीन दिख रहा है। एग्जैक्टली, कितना ब्यूटीफुल है। सबसे खूबसूरत हिरन देखिए, बड़े बड़े हिरन है। ये कोटरा हिरन का वैरायटी है, बहुत तरह के हिरन यहाँ देखने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटीज की। ओ वो 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 चाले भरता वो मिल रहा है, सब चला। इनके खाने का टाइम हो गया है, ये देखिए। अब हम हाथी देखने जा रहे हैं। शिव्या ई फॉर एलिफेंट। ओह ये क्या देख रहे हैं, छोटा छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा है। उसका बेबी है, बेबी एलिफेंट। हाथी मेरे साथी, देखिए इनका खाने का टाइम है। ये देखिए खा रहे हैं एलिफेंट। देखो ये देखिए चीतल खुला हुआ, इतना नजदीक में ना, यहाँ पे ही आप इतने नजदीक से इन जानवरों को देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे हैं और कितना नजदीक से आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ जंगल, यहाँ का जंगल पकड़ा हुआ है, ये बाहर का है सब। वाओ, लोमड़ी नहीं, लोमड़ी नहीं है बेटा, चीतल। चीतल डियर है बेटू, डियर। अच्छा आज पापा मेरे लिए चीला मंगा दे, चीला मंगा दे। कितना अच्छा लग रहा है झुंड में सारा एक साथ। अच्छा ये मेल वाला सेगमेंट है, इससे पहले जो हमने देखा वो फीमेल वाला सेगमेंट था। इसमें हम सांप देखने जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका इंडियन रॉक पाइथन। दो पाइथन है दोनों कॉर्नर में, एक एक। ये देखिए इनके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए धामन, ओ ये एक यहाँ पे है इस जगह पे, ये देखिए एक यहाँ पे है। इसके डिस्क्रिप्शन धामन साम कहते हैं इंग्लिश में, रैट स्नेक। आइए बिल्ली सांप से मिलते हैं, कॉमन कैट स्नेक। ये देखिए ये इस कॉर्नर में आपको दिखेगा, ये रहा, थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये रहा सांप। ये देखिए इतना पास से देख लिया। चलिए अभी करैत सांप को देखते हैं, यही खत्म। ये बहुत ही पॉइजनस होता है, जैसे कि उधर देखिए इंडिया में सिर्फ दो ही सांप पॉइजनस हैं, करैत और कोबरा। ये देखिए हाईली विनोमिनस, और इसका लुक देखिए, देखिए गोल्डन एंड ब्लैक का स्ट्रिप है इसके बॉडी, पूरे बॉडी पे। और यहाँ मेरे ख्याल से दो सांप हैं। अभी ये सांप देखिए, ट्रिंकेट सांप। ओह माय गॉड, ये इंडियन रॉक पाइथन है।
ये भी आपका जहरीला बिल्कुल नहीं होता और ये बहुत ही बड़ा होता है, ये 6 मीटर तक लंबा होता है। यहाँ एक और पाइथन है, देखिए इसका ये अपना स्किन भी छोड़ रहा है इस वक्त, आप ध्यान से देखेंगे नजर आएगा, ये अपना केचुली छोड़ रहा है। ऊपर का स्किन निकल रहा है, अभी अपना पुराना वाला स्किन निकालेगा और नया वाला स्किन लेगा। ये देखिए इस जगह पे, देखिए अच्छा, ये देखिए इस जगह पे इसका खेचली निकल रहा है। ये देखिए कॉमन सैंड बोल, यहाँ बेचारा गमला में बैठा है, अपना ही टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे भी इसे इन लोगों को टाइम इस बंद पिंजरे में जहाँ भी टाइम मिलता होगा स्पेंड करता होगा, फिलहाल तो ये गमले में बैठा है। अब हम ये स्नेक देखेंगे, शिफ्ट कील बैक, ये देखिए देखने में तो बहुत ही डरावना लग रहा है, पर ये जहरीला नहीं होता। डिस्क्रिप्शन है भारतीय नाग सांप जो बहुत ही फेमस है, हमारा नाग सांप, इसकी डिस्क्रिप्शन ये रहे, और ये बहुत ही जहरीला होता है। ये देखिए ये रहा, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है बाबा। अब देखिए ये ब्रसल्स वाइपर, इसे हिंदी में दबोइया भी बोलते हैं, और ये बहुत ही जहरीला होता है। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे है, ये काट ले तो आदमी तुरंत ही मर सकता है। ये देखिए यहाँ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ऐसे सांपों से दूर ही रहना में फ़ायदा है। एक देखिए ये इस कॉर्नर में भी एक है यहाँ पे। अब देखते हैं करैत की तरफ, ओ माय गॉड, ओ वो देखिए कितना ब्यूटीफुल उसका बनावट है। ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन, ये एक और हम इंडियन स्नेक देखने जा रहे हैं, भारत नाग, ये भी अपना केचुली छोड़ रहा है इस वक्त। नाग अपना केचुली छोड़ता है, पुराना वाला छोड़ के फिर नया स्किन लेता है। यहाँ पे 2 या 3 सांप आपस में बैठे हुए हैं, क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि वो 3 हैं या 2 हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए आपको उम्मीद करते हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप झारखंड ज़रूर विज़िट करेंगे रांची में। बाय बाय।